हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जस्ट मैंने वो व्लॉग एंड किया और अभी से नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और एक छोटी सी गुड न्यूज़ है, मतलब छोटी नहीं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, मैं जो आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। सो अभी जो है मेरी बहन जो गुड़िया है, आप सब लोग जानते हैं उसको, तो वो ये भी पता होगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसको हॉस्पिटल में आज एडमिट कर लिया है और पता नहीं अभी तक तो कुछ न्यूज़ नहीं आने वाले कुछ टाइम तक, तो मे बी शायद शाम को रात तक न्यूज़ आ जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस दुआ यही है लड़की हो। मैं चाहती हूँ लड़की हो, मैंने सारे चाहते हैं, मतलब सब लोग चाहते हैं कि लड़की हो गुड़िया के, लेकिन आप पता नहीं क्या होगा, लड़की होगी लड़का होगा, जो भी होगा बस अच्छा से हेल्दी हो, अल्लाह उसको हेल्दी बेबी दे, यही दुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं जा पाई, मैं जाना चाहती थी हॉस्पिटल, लेकिन जो है मम्मी और खाला ही गई है अभी तक, बड़ी वाली खाला, और पापा है गुड़िया के वहाँ पे। मैं जाना चाह रही थी लेकिन फिर घर पे सानिया भी है और हान भी है, इस वजह से मैं घर पे ही हूँ। और देखो जैसे ही बेबी हो जाएगा मैं केशु कालो को लेके फटाफट से जो है हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी उससे मिलने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या होता है। आई विश वो कल ही हो, अगर मतलब आज अगर हो जाता है बेबी तो मैं ये दुआ कर रही थी यार काश कल ही हो जाए मेरे बर्थडे पे। गुड़िया से मैंने बात की थी वो हॉस्पिटल में, सबसे अजीब बात यह कि जिस बेड पर मैं एडमिट थी, जिस बेड पर गुड़िया जो है सेम बेड पे एडमिट है, मैंने उसने मुझे कॉल किया था कि जैसे ही मैंने ये बेड देखा ना मुझे तेरी याद आ गई, उसी बेड पे वो भी एडमिट है। सो देखो क्या होता है। तो हम लोग आ गए एम्स क्योंकि खाला का फोन आ गया था, तारा खाला का, कि गुड़िया बुला रही तुझे, तो तू फटाफट से आ जा। तो मैं और आने को लेकर फटाफट से आ गई, उतनी स्पीड में आई हूँ ना, मतलब ऐसे धीरे आराम से आई लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आई हूँ। तो अभी पहुँच गए, अब देखो अभी तक हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है बीबी हुआ नहीं है। कहीं लड़का लड़की तो ये चाहे हो हैं तो लड़की है। मैं तो जाओ लड़की हो जाए, लड़की हो ओके। सो उसको अंदर लेके गए, अभी कभी भी हो सकता है, मेरी बीपी लो हो गई है, पसीना पसीना हो गया मेरा। हाँ आई एक मिनट, यही हूँ मैं, क्या कोई बता ही नहीं रहा क्या हुआ, हो गया बीबी से भी नहीं बता रहा, मैं बता नहीं रहे यार क्या हुआ है, खाला को किसी को नहीं पता कि इसको अंदर लेके गए ऑलरेडी। बता दो यार, ये लड़की हो, लड़की आवाज़ से तो पता नहीं, आवाज़ आ रही है, बता क्यों नहीं रहे, ऐसे नहीं करूँगा, पहले बच्चे को डॉक्टर चेक कर रहे हैं, ये तो पहले मुझे तो बता दो, देखो जो हुआ है बता रही लड़की हो गई। फाइनली प्यारी सी गुड़िया हुई हमारे घर में, मैं वेट कर रही हूँ कब मुझे बुलाएंगे, मैं उसको देखूँ वापस अंदर आई, लेकिन अभी तक जो है देखने ही नहीं दे रहे यार, मेरे टाइम पे तो देखने दिया था औरान को, गुड़िया पास में ही थी औरान के, मुझे जाने ही नहीं दे रहे अंदर, मतलब मेरे सामने है लेकिन मैं देख नहीं पा रही। मुबारक हो, नहीं मैं नहीं, मेरे को डर लग रहा है, पहना दूँ सब कुछ ऑलरेडी पिंक पिंक लेके आए थे हम लोग। गुड्डा के गिरी मेरी बीटी हो गई, मुझे एक ही नहीं हो रहा, मेरे तुझे क्या मुझे ही नहीं हो रहा, टुकुर टुकुर छोटी सी है ना, हाँ ना छोटी बहन आ गई आपके, ओह मेरे को लाडी करा, उसको लाडी करना जाके। सो जी तारा खाला को मैंने अंदर भेजा, एक ही पेशेंट के पास एक ही अलाव है, तो उनको मैंने अंदर भेजा और मैं मम्मी जो है हम लोग बैठे हैं, सानिया हम लोग वेट कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और लगा भी दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। कंटिन्यू कॉल आ रहे थे कि मुझे अपना फ्लाइट मोड पे करना पड़ा फोन, और आप
अब क्यों कर रही थी बोर बिचू बिचू हो बनी भांजी आ गई पूरी गुन्नू को तो बताओ कोई गुन्नू ने क्यों बुलाया गुन्नू ने भी लाना चाहिए तो हाँ चलेंगे अभी थोड़ी देर में चलेंगे ना बाबू है ना बाबू थोड़ा सा आराम कर ले थोड़ा चूट हुई है ना और सबसे पहले मम्मा गोदी में ली ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है बहुत गुड़िया तो हो रही है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी होगी चलो जी थोड़ी देर रुकेंगे फिर जाएंगे घर के लिए अम्मी चलोगे साथ में रुकोगे आप हाँ तो अभी बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी काश ये कल हो जाती है मतलब मेरे बर्थडे के दिन लेकिन ठीक है कोई बात नहीं आज मतलब पहले मेरा बर्थडे मनेगा फिर इसका बर्थडे मनेगा और शक्ल जो है मुझे और खाला को लग रहा है कि वो किस पे खाला नाना पे है हमें लग रहा मैंने मम्मी बैठी थी ना तो मैंने ऐसा सोचा मैंने कहा यार इसकी शक्ल किस पे सोच रही थी फिर मैं कहा क्लिक हुआ मैंने मम्मी को बोला मैंने कहा ये पता है किस पे खालू जी पे गई है वो अपने नाना पे गई उसकी नाना जैसी शक्ल है और मुझे लगती प्यारी है ना ये नानी इतनी खुश हो रही है नानी इतनी खुश हो रही है अब जब बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह धीरे है ना धीरे हाँ आराम से तो डॉक्टर ने बोला है उसको चाय और बिस्किट खिलाने के लिए गुड़िया को तो वो लेने जा रहे हैं हम लोग हमारे ना सारे बच्चे माशाल्लाह एम्स में ही हुए हैं और शुरुआत जो है उजैर ने की उजैर और अरहान उमेर आयत इवान पांच और ये छठा है इसका नाम देख के क्या क्या हुआ कहाँ गया हाँ बिट्टू ऐसी हालत हो जाती है ना हॉस्पिटल्स में ठीक है जी तो खाना वाना भाभी ने एक्स्ट्रा भेज दिया था हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और अब 10 बज रहे हम लोग निकल रहे हैं और बस बाय बाय कह दिया बाबू को और गुड़िया को अभी फिलहाल तो अब चलते हैं कहाँ से आए थे यही नहीं पता मुझे तो उधर से लिफ्ट में इतना डर लगता है ना उधर तो बैग रहते हैं ना मुझे एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है लिफ्ट के अंदर मेरी जब बंद होती है ना लिफ्ट हाँ उसमें चलो जी आ गए नीचे तो गुड़िया को जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है और हम लोगों को करनी है तैयारी उसके वेलकम की और अभी जो है तो मैं जा रही हूँ सारा सामान लेने के लिए जो भी वेलकम में चाहिए होगा केक वगैरह सब कुछ तो मैं जाने जा रही हूँ फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जो है बनार जाएंगे क्योंकि हमें डेकोरेशन भी करना है 2-3 घंटे में उसको डिस्चार्ज दे देंगे तो मैंने सोचा जब मतलब ये पूरा व्लॉग जो है बीच में मैंने कुछ और भी रिकॉर्ड किया लेकिन मैं सोची उसको अलग व्लॉग में डाल दूंगी क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड व्लॉग जो है सिर्फ हम बेबी के लिए बनाएंगे उसका पैदा होने से लेके उसके घर के वेलकम तक जी फटाफट से चलते हैं और बहुत सारा सामान लेके बहुत सारा काम करना है आज तो देर नहीं करते घर है बाहर आंगन सब जगह ला जाके इसी की निकाल दो बल्डी से नंबर की बढ़िया एक ही कर रहे हैं मतलब ड्राइवर का भाई कर दो नंबर टाइम से ड्राइवर ना और दो नीचे ला दीजिए एक चले ये मॉम का कुछ नहीं है क्या मॉम का मैडम इसमें मिल जाएगा पर मॉम टू भी आएगा नहीं पर और क्या चाहिए बेबी के लिए कोई क्राउन वगैरह नहीं है कुछ बेबी का कुछ केक ले लिया अभी बस ये अच्छे से रहे फिक्स होके कैसे रख हेलो पहले हाथ पे रख जाता जल्दी जल्दी फुलाओ जल्दी जल्दी सजाओ सारी बलून वलून सब जगह लगा दिए पिंक वाले और अब जमो जल्दी जल्दी अच्छे से एक जगह नहीं थोड़ा किसने पकड़ा है मुझे हेलो एवरीवन सो मुझे ये आए हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया और तब से मैं लगी भी हूँ सजाने में क्योंकि टाइम नहीं है उनको डिस्चार्ज कर दिया गुड़िया को वो रुके हुए हैं क्योंकि हमने मना किया 1/2 घंटे के लिए रुक जाओ आप तो वो फटाफट से अब शायद थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं लगभग जो है सारी डेकोरेशन मैंने करवा दी है थोड़ी बहुत कर रही है आधी लड़कियाँ बाहर फूल वूल का वो डेकोरेशन बाकी है बस तो अभी फटाफट मैं चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा अपना
हालत सुधार लेती हूँ और बाकी डेकोरेशन क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ मेरे पास आओ। हाँ जी गुन्नू भैया आप बड़े भैया बन गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बड़ा हो गया, तू बड़ा भाई बन गया है। 10 साल बड़ा हो गया। तू मिला उससे कब? एक दिन मिला हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? अरे वाह, किसका गाना है ये? ले इधर, क्या कर रहे हो आप? तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और सारी तैयारी हो गई है। हम लोगों ने उनको फोन करके बोल दिया, वो लोग रवाना हो गए। अरान इधर आओ। और बस ये थोड़ा सा सजावट रही है, बाकी सब कुछ हो गया है। डेकोरेशन थोड़ा सा रहा है, बाकी सब कुछ हो गया। और है ना आशु, अब अंदर कर ले उस टेबल पे जहाँ पे केक रखेंगे, कबर से बस बहुत है, ठीक है इतना। सभी बच्चा पार्टी तैयार हो गई। हाँ फुलो 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 ऐसे हमारे गुलाब फूल सजाने में। एक मिनट रुक जा, ये कटे मेरे हाथ में है ना अभी। अभी आई हुई नहीं है डबल एक्सल, एक्सल मेरे साइज की, दो दिन बाद में आके इधर मैं सारे सामान तो ले आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे पटाखे, वो भूल गई मैं। तो हम लोग है ना फटाक से वो अभी रवाना हुए, तो बहुत टाइम लगेगा, एम्स बहुत दूर है। तो हम लोग पास में एक शॉप है डीपी चौरा पे, यहाँ पे पटाखे लेने आए हैं। अब कह तो रहे हैं कि है, वो ऊपर गए अंकल प्लीज़ मिल जाए, क्योंकि उनके बगैर तो रौनक ही नहीं होगी अगर वो नहीं होंगे तो। खाला यहाँ अपने अलग ही कवर ओवर लेने में बिज़ी हो गई है। आई तो मेरे साथ में है सामान लेने, और अपने कवर ओवर इनको कवर दिख गए, तो बोले भैया कवर दिखा रहा हूँ। तो मिलेगी अंकल बन के जो ही देखते रहे, बन के जो ही देखते रही जो सही बात है। बम हाँ, देखो तैयार हो गई दोनों अपनी नानी का वेलकम के लिए। क्या बना रहे हो भाभी? पुलाव बिरयानी, क्या स्पेशल बन रहा है? पुलाव बन रहा है, बन गया है कैसे ना भाई? तो बाहर अब आने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये क्या हो रहा है, ये बलून बज गए क्या? हाँ आया तब तो सारा हो गया बेटा, आप किसके लिए बुला रहे हो? आप अपने लिए? कौन आ रहा है आज, कौन आ रहा है आज घर पे? हाँ चिट्टू बीबी आ रहे क्या? इसके कितने पैसे?
करो। परेशान सब कुछ ले आ जाओ भाभी आ जाओ मम्मी बंटी का उठ जाओ रानी जी के पास मंदिर सब साथ में चल जाओ मंदिर साफ नहीं है तेरा क्या है वीडियो बना रही हूं ठीक है पापा ने बुढ़िया जी को सुलझाना देगा पापा की भी जिम्मेदारी होती है बुढ़िया वो साहब हो पास में जाना तेरी गोदी में बैठ बुआजी के पास में बुआजी सिर्फ और सिर्फ केक पर मैं क्या ये बोल रहा है अभी ने फोटो काई हुई है बेबी शूट चल रहा तो भी कहीं आज रही अमीर साहब अम्मी नहीं खिलाए साहब नहीं नहीं जी खाला ने वीडियो है खाला अपना ट्रेंड पूरा किया हर बच्चों आने पे ये डब्बा लेके आ जाती है अरे ये खाला का ट्रेंड चलो गुड़िया तेरे केक को तो ये पूरी नजर आई कि केक तो हट ही नहीं रही है आप खाओ की चीज का भूत गिला कहीं है चीज का है तो खिला दो मैंने गुड़िया को दिया तू मुझे दे दे गुड़िया ने ही मुझे वापस गुड़िया को दे दे भाई साहब कभी नहीं फोटो में कहीं भी रंग भर देंगे आपको उड़ा दी मम्मा ने इधर देख इधर देख केक खाया आपने जो केक लिया नानी जी केक दे रहे जाओ हाँ जी तो हमारा जो मिशन था वो पूरा हुआ नाम भी रिवील कर दिया है कि गुड़िया ने अपनी बेटी का नाम राहा रखा है और राहा का मतलब होता है सुकून पीस ऑफ माइंड जी हाँ जी तो हम खाला के घर से आ गए थे उसके बाद जो है किशु खाला के घर पे 10 मिनट के लिए रुके और सारा फंक्शन अच्छे से हो गया रहा आराम से घर आ गई ठीक है जी सो इस व्लॉग को यही एंड कर देते हैं आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है आपको मालूम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जाके फिर इस वीडियो को जो है लाइक कमेंट शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखें खुश रहें सबको अल्लाह हाफिज़।